हेलो दोस्तों स्टॉक एनालिसिस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करने वाले एक स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे जो कि टॉप लेवल से सिक्सटी परसेंट का अराउंड नीचे गिर चुका है अभी दोस्तों टॉप लेवल से अगर आप देखिएगा स्टॉक ने नीचे तक तो सिक्सटी परसेंट का अराउंड इसमें गिरावट देखने को मिल चुका है थोड़ा सा करेक्शन हुआ है जिसके चलते इसमें फिफ्टी परसेंट का तेज देखने को मिल रहा है नहीं तो बीच में दोस्तों स्टॉक ने सिक्सटी परसेंट का आसपास गिरावट हो चुका था तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला था लेकिन वापस से स्टॉक के अंदर अभी गिरावट हो रहा है तो स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों आप देख लीजिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और जब कोविड का पीक आया था दोस्तों काफ़ी सारा स्टॉक के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड और, और... फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाले बहुत सारे स्टॉक के अंदर एक बहुत ही शानदार पीक देखने को मिला था लेकिन उसके बाद बहुत सारे शेयर के अंदर बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल चुका है और ये स्टॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है तो फिलहाल मैं दोस्तों बात करेंगे स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिन लोगों ने स्टॉक को पिक पर खरीद कर रखा है उनको क्या करना चाहिए तो आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के एंड तक तो देखते रहेगा और उसी के साथ ही साथ अगर ये चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दूसरे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक एक्सक्रिप्शन पर दिया हुआ है तो फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर कंपनी का फंडामेंटल कैसा है देख लेते हैं फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो जैसे कि दोस्तों ये जो कंपनी है पैथोलॉजी और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं और कंपनी का मार्केट वैल्यूशन जो है वो सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ का है जो कि अभी के टाइम पे स्टॉक का फिर सिर्फ़ और सिर्फ फोर्टी सेवन पे है और फिफ्टी टू ई का अंदर जो रैली देखने को मिला था और फिफ्टी टू ई के लू के आसपास स्टॉक अभी आ चुका है यानी कि दोस्तों फिफ्टी टू ई की लू को अगर ब्रेक करता है तो आगे आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर और भी गिरावट हो सकता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कंपनी कुछ डिविडेंड भी निकाल कर देता है और आर ओ सी आर ई कंपनी का पॉजिटिव में है बहुत ही अच्छा और उसके बाद डेट कंपनी के पास थ्री करोड़ के आसपास है और रिजर्व कंपनी के पास अच्छा है यहाँ पर वन थाउजेंड करोड़ के आसपास है रिजर्व मनी है तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर का कोच होल्डिंग वन परसेंट के अराउंड होल्डिंग इसमें प्लेज देखने को मिलता है और यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड देखिए स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है अभी टू हंड्रेड एम मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जितने बार भी टू हंड्रेड एम मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है जो कि सपोर्ट लेवल के आसपास दोस्तों इसी सपोर्ट लेवल को स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं वन थाउजेंड का लेवल देखने को मिल सकता है जो कि वहाँ से स्टॉक के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है तो इसी लेवल को आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टेड हो तो इसी लेवल के ऊपर आप जरूर नजर करके रखिएगा क्योंकि उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर और भी गिरावट होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें कंपनी का, का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट तो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने थ्री करोड़ के अराउंड सेल्स किया है और उसके सामने प्रॉफिट की बात करें तो फोर्टी करोड़ का देखने को मिला है और ओ कंपनी का जो है यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स परसेंट के अराउंड उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात की जाए तो कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आपको दोनों ही अच्छा देखने को मिलेगा तो फिलहाल में दोस्तों टी टी एम में थोड़ा सा डाउन आया है और बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की तो प्रॉफिट जैसे कि कंसिस्टेंसली ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा था तो टी टी एम में थोड़ा सा डाउन आ चुका है तो इसी के चलते शेयर के अंदर बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों पिछले एक साल यानी कि टी टी एम में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही माइनस में आ चुका है और स्टॉक प्राइस छः हज़ार भी माइनस में आ चुका है लेकिन रिटर्न और इक्विटी दोस्तों काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है और बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पर कंपनी बहुत ही अच्छा है रिजर्व मनी लगातार इंक्रीजमेंट किया है और साथ ही साथ बोरिंग मनी थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हुआ है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो थर्टी करोड़ के आसपास है और अदर आसेट टोटल आसेट आप देखिएगा यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बोलीस है एफ और डी इन दोनों के पास देखिएगा दोस्तों ट्वेंटी फाइव परसेंट का होल्डिंग है एफ के पास और बात करें डी आई की तो थोड़ा सा डिक्रीजमेंट किया है इसी क्वार्टर के अंदर लेकिन फंडामेंटल अगर आप देखिएगा कंपनी अच्छा है अगर ऐसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के होराइजन ले सकते हो तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके रह सकते हो नहीं तो अगर आपके शॉर्ट टर्म क्योंजन है तो मेरे ख्याल से स्टॉक को आपको एवॉर्ड करना ही सही रहेगा क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करने वाले बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों जिनमें अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि ऐसे जो स्टॉक रहते हैं दोस्तों जब कोई ना कोई बीमारी आ जाता है फिर ये स्टॉक के अंदर एक धमाल देखने को मिलता है एक बहुत ही शानदार ट्रेंड होता है जैसे कि हमें कोविड के टाइम पर देखने को मिला था और आगे अगर ऐसा ही कुछ नया बीमारी निकल कर आता है तो ऐसे स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगा और आपको बता दो ऐसे कंपनी का जो रेवेन्यू रहता है और प्रॉफिट रहता है वो कंसिस्टेंसी रहता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना कि बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो एक ही ट्रेंड के अंदर रहता है अगर कोई भी नया बीमारी आता है तो पिक पर पहुँच जाता है तो उसी के साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी पीक पर पहुंच जाता है तो इसके लिए दोस्तों मेरे ख्याल से अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टेड हो तो आपको लॉन्ग टर्म के रोहर जन चलना है ना कि शॉर्ट टर्म में जैसे कि स्टॉक ने बहुत ही शानदार रैली होने के बाद यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था जबकि अभी के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और अभी के टाइम पे स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है वो आपको लोअर लोअर ट्रेंड ही देखने को मिलेगा तो स्टॉक के अंदर कम से कम दोस्तों सिक्सटी परसेंट का अराउंड तो गिरावट हो चुका है और बाकी आगे आने वाले दिनों में अगर गिरता है तो टेन परसेंट का अराउंड गिरावट हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे ख्याल से दोस्तों आप वन थाउजेंड से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड के बीच में आप खरीदारी बना सकते हैं और एक डीप में इसमें आप खरीदारी बना सकते हैं स्टॉक बहुत ही अच्छा है फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉग है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस एक बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है तो इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म की हो है तो बिल्कुल बेजिजक के स्टॉक के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं नहीं तो शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक से आप दूरी बना के रख सकते हैं क्योंकि लंबे टाइम में स्टॉक का जो प्राइस है इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्टॉक के अंदर एक बहुत ही शानदार सपोर्ट था तो यहाँ से सपोर्ट लिया है और दोबारा भी सपोर्ट यहाँ से लेगा और इसी सपोर्ट को स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं करेगा अगर कर भी लेता है तो शॉर्ट टर्म में फिर से इसी रेंज के आसपास आ जाएगा तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करें और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पोजेस के लिए था तो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप भी अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं और नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर